भगवद गीता की पिछले सारे अध्याय में अब तक भगवान कर्म, ध्यान और ज्ञान को भक्ति के साथ जोड़ के बताए हैं, लेकिन इस अध्याय में सिर्फ अनन्य भक्ति के बारे में अर्जुन को बताएंगे। हरे कृष्ण, गीता सार सूत्र की कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। शुरू में यहाँ अर्जुन से भगवान कहते हैं, है अर्जुन, क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करता, इसीलिए आज मैं तुझे इस दिव्य ज्ञान के बारे में बताऊंगा। तो इस बात से भगवान स्पष्ट समझाए हैं, भक्ति करने के लिए अपने मन को शुद्ध करना आवश्यक है। भोगी व्यक्ति कभी इस बात को नहीं समझ पाते और इसी कारण भगवान की लीला को लेकर संदेह और सवाल करते। अर्जुन, यह विद्या समस्त विद्या का राजा है, क्योंकि भौतिक विद्या या ऐसी विद्या जो मुक्ति दिलाने में सक्षम है, इनमें से कोई भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। विद्या का कार्य है परम आनंद का अनुभूति देना, लेकिन यह सारे मन में कहीं न कहीं बस असंतोष ले आते हैं। केवल भक्ति का ज्ञान वो आनंद दे सकता है। यह ज्ञान सबसे शुद्ध है, दूसरा कोई मिश्रण नहीं। अर्जुन, भक्ति में अश्रद्धा रखने वाले जीवात्मा बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर काटते रहते हैं, मुझ तक पहुँच नहीं पाते। यह पूरा सृष्टि की अधिपति मैं हूँ, लेकिन मैं इनमें नहीं रहता। समस्त देवी देवता मेरे शक्ति की अधीन होकर ब्रह्मांड का सारा कार्य करते हैं। कल्प की अंत में यह सृष्टि महाविष्णु में समा जाते हैं, जो कि मेरे ही रूप है, और फिर मेरे आदेश पर पुनः सृष्टि का शुरू होता है महाविष्णु के श्वास छोड़ने पर। जब मैं पृथ्वी पर मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ, तब अज्ञानी मूर्ख लोग उपहास करता है। ऐसे व्यक्ति का किया हुआ कर्म, ध्यान और ज्ञान योग सब निष्फल हो जाता है। जो व्यक्ति देविक प्रकृति यानी कि मेरे कृपा शक्ति के आश्रित रहता है, वो सच्चा महात्मा कहलाता है। यहाँ पे कृपा शक्ति यानी कि गुरु की विषय में बोला जा रहे हैं। गुरु की कृपा से व्यक्ति भगवान का नाम जप कीर्तन द्वारा उनकी विग्रह का सेवा करते हैं और अंत में उन्हें प्राप्त कर लेते हैं। है अर्जुन, मैं ही हर प्रकार का कर्मकांड, पितृ को दिया जाने वाला तर्पण, यज्ञ की अग्नि, घी, दिव्य मंत्र तथा आहुति हूँ। यानी कि जो लोग मेरे पास सीधा नहीं भी आ पाते हैं, यह सब कर्मकांड के द्वारा असल में मेरी ही कृपा प्राप्त करता है। मैं सबका पिता यानी कि सृजन करता, माता यानी कि पालनहार और आश्रयदाता भी हूँ। मैं सबकी हृदय का शुद्धिकरण करने वाला हूँ। मैं ही हूँ सबका स्वामी तथा सुहृद। है अर्जुन, सूर्य का ताप तथा वर्षा प्रदान मैं ही करता हूँ। मैं समस्त औषधि का जीवन स्वरूप हूँ। अमर्त्व और काल मेरे से ही आते हैं। कुछ लोग जो वेद की बानी को मानकर अपनी अर्जित पुण्य की दम पर स्वर्गलोक को जाकर देवताओं के मध्य सुख भोगता है, उसे भी मैं सुख प्रदान करता हूँ। लेकिन जब उसका पुण्य समाप्त हो जाता है, तब पुनः इस मृत्युलोक में आना पड़ता है, फिर से जन्म लेना पड़ता है अर्जुन। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे चिंतन कर सेवा में लीन रहते हैं, उनका समस्त दायित्व मैं पालन करता हूँ और जो कुछ भी उनके पास है उनका रक्षा करता हूँ। जो देव देवी का पूजा करते हैं वो देवलोक को जाते हैं, जो पितरों का पूजा करते हैं पितृलोक जाते हैं, भूत प्रेत का पूजा करने वाला प्रेतलोक जाते हैं, और जो मुझे भजते हैं मेरे लोक में सदा के निवास करते हैं। अगर कोई मुझे भक्ति भाव से पत्र, पुष्प, फल या जल अर्पण करते हैं, तो मैं स्वीकार करता हूँ। इससे भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि कर्मकांड और ज्ञानकंद का मार्ग जितना कठिन उतना फल भी अनिश्चित है, लेकिन भक्ति मार्ग में आसानी से भगवत धाम की प्राप्ति हो सकता है, और वो भी सदा के लिए। है कुंती पुत्र, में ना तो किसी से द्वेष करता हूँ और ना पक्षपात करता हूँ, मैं सबके लिए संभाव रखता हूँ। लेकिन जो मेरा भक्ति करता है उसके लिए मैं उसका मित्र और वो भी मेरा सखा होता है। कोई अगर जघन्य से भी जघन्य अपराध करके भी मेरा भक्ति करता है, तो फिर उसे साधु मानना चाहिए अर्जुन। और ऐसा मानने वाला धर्मात्मा हो जाता है, और पतित व्यक्ति जिसने भक्ति को नहीं छोड़ता उसका कभी विनाश नहीं होता, मैं स्वयं उसका रक्षा करता हूँ। स्त्री, पुरुष, शिशु, वृद्ध, रोगी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कोई भी मेरा भक्ति कर सकता है अर्जुन, क्योंकि सभी मेरे अंशात्मा ही है। मुझ में मन को लगाओ।
मुझे नमस्कार करो, मेरे पूजा करो और धीरे धीरे तुम मेरा भक्त बनो। इतना कहकर भगवान अब अपने वाणी को विश्राम देते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर कर देना। ऐसा और भी भक्तिमय कार्यक्रम आगे देखने के लिए हमारे चैनल भक्तिपेडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं अगले एपिसोड पे। हरे कृष्णा।